हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, 2019 में आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल मूवी आई थी। पूजा के दीवाने हर कोने में होते थे, लेकिन अंत में पता चला कि पूजा तो एक लड़का है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां एक युवक ने युवती बनकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रखा था। पोस्ट से लेकर मैसेज तक लड़की बनकर बात किया करता था। लड़के तो लड़के, यहां तक कि लड़कियां भी उसकी आवाज सुनकर दीवाने हो जाते थे। इस दौरान आरोपी युवक की दोस्ती एक लड़की से होती है। अब दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं। आरोपी युवक सावन पटेल युवती की आवाज में लड़की से बात किया करता था, और ये बातचीत का सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता रहा। लेकिन इस दौरान युवती को कुछ शक हुआ, तो उसने युवती बनकर बात कर रहे युवक सावन से मिलने को बोला। और जब सावन से मिलने के लिए युवती पहुंची, तो देखा कि जिस युवक से वो फोन पर बात किया करती थी, वो लड़की नहीं, वो लड़का है। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुद को ठगा महसूस कर रही युवती ने आरोपी युवक का विरोध किया, तो लड़के ने तुरंत कई तरह से युवती को शादी करने के आश्वासन दिए, लेकिन युवती नहीं मानी और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इसके द्वारा पीड़िता को फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर लड़की बनकर उसको मैसेज किया करता था, जिसके बाद में आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए जीजासन मंदिर बुलाया, जहां पीड़िता अपने जीजा को साथ लेके पहुंची, जहां पर इसने पीड़िता के साथ जो है वो इंडिसेंट अश्लील हरकत की, जिसके बाद में पीड़िता और इसके जीजा ने इसको पकड़ लिया और वहाँ पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद इस आरोपी के ऊपर पकड़ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को भी राउंडअप किया गया। युवती ने पूरे मामले में अपने परिजनों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद जमकर आरोपी युवक की पिटाई की गई, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई विभिन्न धाराओं में मामले को दर्ज किया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया।